देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक सभी ने अपनी जी जान झोंक दी है। लोगों से घरों में रहने की अपील लगातार की जा रही है, लेकिन फिर भी बेवजह घर से बाहर निकलने वाले नहीं मान रहे। इसी बीच नागौर के पादुकला में एक युवक ने पिता की मौत पर मृत्यु भोज नहीं कर समाज को कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए संदेश दिया। रायको के ढाणी निवासी शिवराज ने बताया कि लॉकडाउन में पिता का निधन होने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अब समाज में होने वाले मृत्यु भोज को टालकर लोगों से लॉकडाउन का पूर्ण रूप से समर्थन करने का आग्रह उन्होंने किया। गायिका समाज ने पादुकला ने एक संदेश दिया है कि हमारे यहाँ मंगलाराम जी सुनो भीमाराम जी रायिका की मृत्यु हो गई थी, तो उनके ऊपर हम गंगा प्रसादी जो करते हैं वो नहीं करके हमारे जो भाई गणित सब इकट्ठे होते हैं उनको हमने एक संदेश दिया कि आप कोई मत आना यहाँ। अभी जो कोरोना का संदिग्ध चल रहा है हमारे देश के अंदर, ये कोरोना की बहुत महामारी चल रही है, इसको देखते हुए हमने एक संकल्प लिया है कि नहीं तो हम हमारे घर कोई आएगा नहीं, हम किसी के घर जाएंगे। मृत्यु होने पर हमने गायों को ये दलिया बांटा दे के गुड़ और चार पेटी गुड़ दे के और ये गौदान किया है।